पार्टी के उप मुख्यमंत्री सुशील जी तीनों पूरे बिहार के कैंपेन की लीडरशिप लेंगे और अभी जो सीटें हैं बिहार में इससे ज्यादा सीटों के साथ 19 के चुनाव में हम मजबूत होकर बाहर आएंगे। विपक्ष का आधारहीन प्रचार जो है वो सभी दलों से चर्चा करते हुए देश भर की भांति बिहार में भी कहीं पर इसको जनाधार नहीं मिल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में विशेषकर गरीब तबके के लिए जो काम हुआ है उसका एक खासा पॉजिटिव असर बिहार के मतदाताओं में सामने आया है और वहां नीतीश जी की सरकार भी मोदी जी के सरकार के साथ मिलकर बिहार के विकास के लिए दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत कर आगे बढ़ रही है। तो इस सब का संयोग मिलाकर हम सभी का विश्वास है कि 19 के चुनाव में हम बिहार में एनडीए बहुत बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीतकर आगे आएगा। धन्यवाद। उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथी हैं, कुशवाहा जी भी साथ में रहेंगे, रामविलास जी भी रहेंगे, भाजपा और जदयू है ही। हो गया सर, सीटों में कुछ रामविलास पासवान जी और उपेंद्र कुशवाहा जी की सीटों में कुछ कमी होगी क्योंकि आप भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं? देखिए, जब नया साथी आया है तो सबकी सीटों में कमी होगी, कितनी होगी क्या होगी हम बताएंगे। सबको एक दूसरे को सहयोग कर आगे बढ़ना, ऐसे इस बारे में चारों पार्टियों का आम सहमति है। वो तो हम लोगों के लिए छोड़ दीजिए भैया, सब आप ही तय कर लोगे, हम सब कर लेंगे। सर, एक सीटों में क्या एक्सचेंज भी होगा? भैया सब आप ही तय कर लोगे, हम सब कर लेंगे। सर, एक सीटों में क्या एक्सचेंज भी होंगे कुछ सीटें? अभी एक बार सैद्धांतिक निर्णय होने के बाद के नाम और कौन सीट पर कौन पार्टी लड़ेगी इसके लिए बिहार यूनिट के लोग बैठेंगे, सभी पार्टियों से एक दो नेता बैठकर इसका एक खाका खींचेंगे और नीतीश कुमार जी और वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर हम इसको फाइनल करेंगे। अरुण कुमार जी के अलग से सीट छोड़ेंगे? अरुण कुमार जी अलग? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, चारों पार्टी एनडीए का हिस्सा होगी और सभी लोग इस बात पर सहमत है कि एकजुट होकर लड़ना चाहिए। नंबर ऑफ सीट्स आप कह रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में अनाउंस करेंगे? दो तीन दिनों में ही हम अनाउंस कर देंगे। सर, चारों की सहमति चंद्रबाबू नायडू सेंटर इज डिस्टेबलाइजिंग द गवर्नमेंट इन आंध्र प्रदेश। चलिए, अभी मैंने एक लिमिट एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक लिमिटेड पर्पस